रुक करते हैं सहयोगी अनुभव का और जानकारी लेते हैं कि इन 30 नामों में क्या खास है, क्या सोच करके, किन समीकरण के आधार पर पे ये नाम सार्वजनिक किया गया है। अनुभव, देखिए बिल्कुल हम बीजेपी कार्यालय पर ही मौजूद हैं और जिस तरीके से ये जो MLC के चुनाव होने जा रहे हैं, 35 जो स्थानीय निकाय के प्राधिकार क्षेत्र हैं वहाँ पर 36 सीटों पर ये चुनाव होना है। पहले 19 मार्च आज की आखिरी तारीख थी नामांकन की, लेकिन चूंकि होली का पर्व था ऐसे में इस नामांकन की जो तारीख है इसको आगे बढ़ाया गया और अब 21 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। तो AVP गंगा ने पहले ही बता दिया था कि लिस्ट आज जारी हो जाएगी और 30 जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। अलग अलग जो प्राधिकार क्षेत्र हैं वहाँ के, देखिए हमारे साथ पार्टी के जो प्रदेश महामंत्री हैं JPS राठौर जी, 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। जी हाँ, MLC के लिए 30 भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई है। और आपको ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को विशेष सम्मान दिया, इसमें डॉक्टर सत्यपाल सैनी जी को मुरादाबाद से टिकट दिया गया है, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। अनूप गुप्ता जी प्रदेश के महामंत्री हैं, लखीमपुर से उनको लड़ाने पर सहमति बनी है। प्रांशुदत्त द्विवेदी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, फरुखाबाद से उनको टिकट किया गया है। डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं बहराइच की, उनको भी अवसर दिया गया पार्टी द्वारा। तमाम कार्यकर्ताओं को इसमें एडजस्ट करने का काम किया गया। अरुण यादव को भी दिया है, उनके पिताजी रमाकांत यादव अभी विधायक हैं फुलपुर पवई में, 2017 में अरुण जीते थे, फिर आप लोगों ने टिकट नहीं दिया लेकिन इस बार MLC का टिकट उनको दे दिया, इसके पीछे क्या रणनीति है? अब ये बातें सब पता चलेंगी कि किसके पीछे क्या रणनीति है, और मुझको बहुत ज़्यादा वो जानकारी नहीं। अगर वही अरुण यादव हैं जो वही हैं तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं जी, तो निश्चित रूप से कई बार पिता कहीं होते पुत्र कहीं होते ये भी राजनीति में चलता रहता है, और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और अभी तक चले आ रहे हैं। अभी दूसरा अभी चुनाव हुआ है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पार्टी ने कुछ विचार करके उस पर। पूर्व सांसद को भी दिया है, हरिओम पांडे को भी आप लोगों ने टिकट दिया है, पूर्व विधायक को भी दिया, और जो लोग सपा से आए थे उनको भी उम्मीदवार बनाया इस चुनाव में। देखिए ऐसा है कि पूर्व सांसद हरिओम पांडे जी पिछली बार लोकसभा का टिकट उनका कटा था तो उनको भी कष्ट हुआ होगा, बहुत से लोगों को लगा कि अनावश्यक हो गया, लेकिन ऐसे पुराने कार्यकर्ताओं किसी वजह से एक निर्णय लेना पड़ता है, तो ऐसे पुराने कार्यकर्ताओं को जिनके साथ किसी न किसी प्रकार से पॉलिटिकल समीकरण में नहीं बैठता है तो भविष्य में उनकी संभावनाएं बरकरार रहती हैं। हरिओम पांडे जी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण। यानी BJP ने मैसेज दिया कि कार्यकर्ता निराश ना हो, अगर कहीं टिकट कटा है नहीं मिला है आपने अच्छा काम किया तो परफॉर्मेंस के आधार पर आगे कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा, यही मैसेज है इसकी। बिल्कुल यही मैसेज है, और वो मैसेज टिकट के रूप में सरकार में जाने के लिए या सत्ता में जाने के लिए, MLA MLC बनने के लिए, लोकसभा में जाने के लिए, या फिर संगठन में समायोजित करने के लिए, जो भी कार्यकर्ता अपना पूरे दमखम के साथ निष्ठापूर्वक जुटा रहता उसको किसी न किसी प्रकार से पार्टी समायोजित करने का काम करता। अभी विधान परिषद में BJP बहुमत में नहीं, इन 36 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, अगर यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे लग रहा है कि बहुमत में आ जाएंगे विधान परिषद में? ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, हम सभी सीटें जीतेंगे, 36 की 36 जीतेंगे। अच्छा, पूरा भर वो लोग जीतेंगे भाई, ये 36 की 36। वो भी बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, और हमारे तो सबसे ज़्यादा जो भी लोग हटे हैं वो उन्हीं के MLC रहे हैं ज़्यादातर। भाई वो दावा ही तो पहले भी करते रहे, उनके दावे कितने हवा हवाई निकले हैं ये तो आपको अभी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम दस्तारी को सिद्ध हो गया है। आगे आने वाले समय में 9 अप्रैल को चुनाव है, 12 तो तारीख को उसकी भी काउंटिंग हो जाएगी, 12 अप्रैल को वो भी दावे उनके सिद्ध हो जाएंगे कितना सही है। आप कह रहे 3600 जीत लेंगे, एक भी जीतने नहीं देंगे? भारतीय जीतने नहीं देंगे की बात नहीं, हम जीतेंगे, जीतने नहीं देंगे दूसरा भाव है। अच्छा, हमारे पास ऐसा है, चुनाव माना जाता है कि सरकार का ही चुनाव होता है इसीलिए, अहंकार वाला भाव नहीं, अहंकार का भाव उनका रहता है, हम लोग कहते हैं हम जीतने का प्रयास करेंगे, जीतेंगे, जीतने नहीं देंगे ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, परिषद में आपका बहुमत हो जाएगा इस चुनाव के? निश्चित रूप से परिषद में भी होगा, आगे आने वाले समय में मतलब सभी जगह प्रचंड बहुमत रहेगा, हम लोगों का पूरा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आगे 50 साल की व्यवस्था के साथ चल रही है, 50 साल की तक कोई विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा सब जगह बहुमत रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। अभी 6 नाम घोषित नहीं हुए क्योंकि 21 तारीख ही लास्ट तारीख है नामांकन की, तो कब तक वो नाम घोषित होंगे? कुछ जगह ऐसा है नामांकन थोड़ा एक दिन 22 तारीख तक भी है, तो उसकी वजह से भी है, और कुछ निर्णय रहते हैं रात तक हो जाएगा, कल सुबह तक हो जाएगा वो भी।
वो एक मैसेज दिया है कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने इस लिस्ट के लिए? स्वाभाविक रूप से हर जगह कार्यकर्ताओं को, विधानसभा में बहुत से कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने का काम किया है। बहुत से लोग क्षेत्रीय पदाधिकारी थे, उनको विधायक हो गए, और बहुत से लोगों हम देखते रहते, यहाँ घूमते रहे, वहाँ घूम रहे, ऐसे सब लोगों को टिकट मिल गया है। और मुझे लगता है कि जमीन से उठे हुए कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही, और परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंडा चल रहा है वो अनवरत चलता रहेगा। तो ऐसा ही कुछ हमें मंत्रिमंडल में भी देखने को मिलेगा, जमीन से आया कार्यकर्ता विधायक बना और मंत्री भी बन जाए? आश्चर्यजनक रूप से देखेंगे कि किस तरीके से कैसे नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया, क्योंकि ये पार्टी की नीति है। हम ये नहीं कह रहे कि मुझे कुछ पता है, लेकिन पार्टी की जो नीति, आपको पता तो सब है। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इतना पार्टी